एक लेस्बियन कपल को क्या क्या फेस करना पड़ता है, इस फिर बीच भी में हम दोनों के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है। गलत गलत बात बोल रहा है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल रेनबो शुगर आदि प्रोमी ब्लॉग्स। तो गाइस, जो लोग हम दोनों को नहीं जानते उनके लिए बता दूं, ये है प्रोमी द बंगाली गर्ल और ये आदि। तो गाइस, जैसे कि हम लोग सुबह सुबह उठ चुके हैं और उठ के हम दोनों का नहाना कंप्लीट हो चुका है। और गाइस, आप लोग इतना मतलब, ज्यादा हाँ हाँ पता है गाइस, पता है कि बहुत ज्यादा आप लोग गुस्सा हो हमसे। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी दो तीन दिन हो चुके, चार दिन, चार शायद दिन आज लेके 4 दिन हो गए हम लोग वीडियो नहीं दे पाए। हाँ, तो जैसे कि पहले बहुत बताया था कि इवेंट्स आ गया है तो बिजी होंगे, बट फिर भी हम लोग कर रहे थे, वीडियोस भी बना रहे थे, बट गाइस, आप लोग थंबनेल देखे तो समझ गए हैं, इस बीच में हम दोनों के साथ बहुत कुछ हो गया है। हाँ, और बहुत कुछ बुरा हुआ है, बहुत कुछ अच्छा तो वैसे नहीं, चलो ठीक है, लेकिन बहुत कुछ बुरा हुआ है तो उस सब लेके आज बात करेंगे आप लोग से। और देखो गाइस, आप लोग पॉइंट ऑफ व्यू से जो लगेगा वो मैं बोलूंगा आज, और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग को क्या लगता है। तो गाइस, आज का ब्लॉग में कमेंट्स पे पूरा भार देना, भार भार के, ठीक है एकदम। गाइस, हम लोग को ना पावर दिखाना है अपने LGBTQ कम्युनिटी का, ठीक है, तो लेट्स सी कौन जीतता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी तो कुछ नहीं, बात ऐसे तो कोई है। मैं तो कोई जंग में नहीं उतरा हूँ, बट लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत बहुत गलत गलत बात बोल रहा है, बहुत कुछ बहुत कुछ। तो चलो कोई नहीं, हम लोग शेयर करेंगे क्या हुआ था, मतलब चलो। और अभी क्या, अभी हम लोग जाएंगे, ये पूजा देगा, ठीक है, फिर इसके बाद थोड़ा रिहर्सल होगा, आज सब हाँ। लोग आएगा रिहर्सल वगैरह। चलो आज रिहर्सल आप लोगों को दिखाते हैं कैसे होता है रिहर्सल, ठीक है, तो वो कुछ कुछ आप लोग देखो। और क्या, और क्या बोलो, और क्या बोलो, और थोड़ा सा जो प्रोग्राम है उसका भी क्लिप दिखा देंगे आप लोग को। हाँ, दिखते हैं, चलो दिखा देते। एक सेलिब्रिटी बंगाली एक्ट्रेस आने वाली है, सायंतिका बनर्जी। मतलब आप लोग जो जो बंगाली हो तो वो लोग जानते होंगे, रोयना। तो कोई नहीं गाइस, मतलब वो आने वाली है एज अ गेस्ट उधर पे, और उस शादी में हम लोग कर रहे हैं परफॉर्म, तो देखते हैं कितना क्या होता है, क्या नहीं होता है, सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो आज के ब्लॉग में इतना बता दूं कि बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है, और बहुत स्टे ट्यून्ड, थोड़ा सा भी मिस मत करना, तुम मिस कर जाओगे यार। और जो जो गाइस कम्युनिटी से हो ना LGBT, वो लोग जरूर देखना ये ब्लॉग लास्ट तक देखना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का, अभी थोड़ा जाते हैं, जाके जो काम वाम है वो करके आते हैं, फिर आप लोग से बात करते हैं। हाँ, ठीक है, तो उसके पहले आप लोग देख लो, थोड़ा सा रिहर्सल देखो। हाँ, ठीक है, चलो बाय। वायलिन नहीं, क्रॉस घोड़ा है, जानी ना कटा बाजे, बोल बसे थक, करो करो, ओ मिस्ट्री तो। हे गाइस, हम
लोग खाना खा के आ गई हूँ इधर। और कैसा लगा रिहर्सल, बोलो बोलो क्या हो गया तुमको, बोलो। तो गाइस रिहर्सल कैसा लगा? हाँ, इतना दुख होता है मुझे जब ये किसी और के साथ डांस करती है, बट फिर मैं अपने आप को समझा लेता हूँ कि ये तो बस एक काम ही है। तुम तो भी तो किया है। हाँ, वो तो मैं दिखा रहा था बाबा। तो ये जो रिहर्सल आप लोगों ने देखा, तो इसका जो प्रोग्राम हम लोगों ने किया है वो भी आप लोगों को लास्ट में जाके दिखेगा, ठीक है? लास्ट में एकदम। तो अभी क्या होगा? अभी होगा कि हम लोग बात करेंगे। सीरियस? क्या बात करेंगे? सीरियस टॉपिक पे। तो सीरियस होना पड़ेगा। हाँ, सीरियस टॉपिक तो मतलब हम लोग कभी सीरियस ही नहीं होता है। मैं बिल्कुल ही सीरियस, बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। हाँ, मैं कभी भी नहीं होता, झूठ बोलो तुम। हाँ, तुम यहाँ पे टीका ठीक करने नहीं आई हो। बोलो बोलो, शुरू करो 1 2 3 पीप। नहीं सीरियस मैं बोल रही हूँ, चलो ना। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, जैसे ही मैंने पिलो लिया इसका बस एकदम। तो गाइस आज का टॉपिक यही होने वाला है। क्या होने वाला है बोलो? एक लेस्बियन कपिल को क्या क्या फेस करना पड़ता है आप लोग को तो पता ही होगा, और आप लोग के साथ हम लोग ये शेयर करेंगे कि हम लोग को क्या क्या फेस करना पड़ा है। तो गाइस ये तो बहुत कॉमन बात है कि लोगों के सामने या फिर जब हम लोग किसी फैमिली फंक्शन बोलो, या फिर बोल सकते हो कि किसी पब्लिक प्लेस में, या फिर दुर्गा पूजा के टाइम, या फिर किसी भी ऐसे मौके पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, वहाँ पे जब हम एज अ कपल एंटर करते हैं तो लोगों के दिमाग में बहुत सारी सवालें घूमती रहती है। कुछ लोगों को हमसे हम उन लोग के लिए एक मजाक की चीज़ हो जाते हैं जो लेके लोग गॉसिप करते हैं। देखो गाइस, हम दोनों रिलेशनशिप को हाइड करके रखे थे बहुत साल, फिर उसके बाद हम लोग ने डिसाइड किया कि मतलब 6 साल हम लोग हाइड करके रखे थे, फिर उसके बाद से हम लोग ने पब्लिक करना शुरू किया। तो पब्लिक जैसे ही हमने किया तो बहुत लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत ताने, क्यों लो? देखो कोको भी ताने मार रहा है क्या? लोग को नहीं, कोको बोल रहा है कि तो ये तुम पकड़ो कोको, दिखते हैं मैं पहले। तो यही सब के लोगों की ताने, लोगों के बातें सुन सुन के ना हम दोनों को, स्पेशली मुझे बहुत ज्यादा सहन हो गया। मतलब मेरे को मतलब आदत सी हो गई है अब तो, मतलब वो गाना नहीं है, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने। खुश भी होते हैं हम लोग, मजा भी आते। फिर क्या हुआ कि हम लोग ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो वहाँ से बहुत लोगों को और ज़्यादा पता चला, क्योंकि वहाँ पे हम लोग ने अपने लव स्टोरी फर्स्ट टाइम ऑन सोशल मीडिया लव स्टोरी में हमने अपलोड किया। फिर उसके बाद मेरे कुछ एक दो मेरे लाइफ के बारे में बहुत कुछ एक एक करके एक एक प्रोजेक्ट हुआ, जैसे कि जो स्टॉक्स में हुआ था बंगाली जो स्टॉक्स, एंड उसके साथ ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे में मेरा लाइफ स्टोरी उन लोग ने फोकस किया था। तो जब वो सब चीज़ें हुई ना, तब मैं और ज़्यादा फोकस्ड हो गया, और ज़्यादा मैं एनर्जाइज्ड हो गया, और ज़्यादा मैं मतलब डिटरमाइंड हो गया, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो गया कि चलो अगर 100% में 80% लोग मुझे गाली दे रहे हैं, बट 20% मुझे बहुत ज़्यादा प्यार भी दे रहे हैं। तो मैंने और इसने डिसाइड किया कि इस 20% को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, और ये हम दोनों की जिद है। जिद मान लो, चैलेंज मान लो, या फिर कुछ भी मान लो आप लोग, ये हम दोनों की जिद है कि हम इस 20% को 80% में तब्दील करेंगे ही करेंगे, और साथ में ये कोशिश करेंगे कि हमारे साथ साथ और भी जितने LGBT कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उन लोग को भी लोग उस तरह से ही एक्सेप्ट करें।
हमारी कोशिश हमेशा यही रही है और हमारे वीडियोस भी इसके ऊपर होते रहते हैं। बहुत सारे वीडियोस मैंने ऐसे बनाए हैं कि मैंने अपनी लाइफ स्टोरी में बनाया है, बहुत सारे ऐसे बनाया है। फिर भी गाइस बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि क्वेश्चन करते हैं इसको कि अचानक से तुमको क्या हो गया, मतलब अचानक ऐसे छोटा छोटा बाल क्यों काट लिया है। नहीं, मैं एग्जैक्ट सेंटेंस बता देता हूँ कि अचानक तुम लड़का कैसे हो गया। तो पहला बात तो ये लड़का नहीं है, लड़का नहीं बना है, मैं लड़की हूँ। मैं बाई जेंडर लड़की हूँ और मैंने मेरा हुलिया, आप बोल सकते हो कि मेरा जो फिजिकल पार्ट है, मेरा जो बॉडी है वो एक लड़की का है, बट मेरा जो सोल है वो एक लड़के का है। तो मुझे एक लड़के की तरह रहना पसंद है। मैंने पिछले बहुत सारे वीडियोस में पहले भी बताया था लेकिन कोई समझ नहीं आ रहा है, मतलब कुछ, मतलब किसी किसी इधर है या फिर आसपास में हम लोगों का, तो उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग छोड़ ही देंगे, क्या बोलते हो तुम? मतलब समझाना छोड़ देंगे, समझाना छोड़ देंगे, अपना वो नहीं छोड़ेंगे। हाँ, एनीवे तो मैं बहुत क्लियर कट बताना चाह रहा हूँ कि मैं बाई जेंडर एक लड़की हूँ, बट मुझे जो फील होता है, मैं जो हरकतें करता हूँ, मेरे चलने का, बोलने का, मेरे रहने का, मेरे लुक्स इज लाइक अ बॉय। तो आई डोंट नो, इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर उन लोगों का मानना यह है कि लेस्बियन कपल हो तो लेस्बियन कपल की तरह रहो, तुम भी लड़की जैसा ही रहो, पर उनको मैं कैसे समझाऊं? और इसको भी लोग बोलते हैं कि अगर तुमको लड़के जैसा ही किसी को प्यार करना है तो तुम किसी लड़के से करो, ऐसे किसी लड़की के साथ जो लड़का बना है उसको क्यों कर रहे हो, ब्ला ब्ला ब्ला। गाइस तो आप लोग को अभी बताते हैं कि क्या बुरा हुआ है हमारे साथ। तो हम लोग ने बहुत कुछ रियलाइज किया कि वी थिंक कि हम लोग को कुछ चीज़ों से डिस्टेंस रखना चाहिए। हर जगह पे हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग को सब क्यों नहीं मानेंगे, मान लेंगे, बट चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो रही है। मतलब हम लोग ने सोचा था कि कोई कोई ऐसा है कि सपोर्ट करते हैं ये सब, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा सोचना भी गलत है हम दोनों के लिए कि हाँ, कोई हमें सपोर्ट करेगा। हम हमेशा ऐसा ही बोलते रहते हैं कि हमको पता है कि कोई नहीं सपोर्ट करेगा। अभी अगर एक दो आ गए सपोर्ट करने तो वो हम लोग बोलेंगे आवर लक। तो हम दोनों ने ये डिसाइड किया है कुछ चीज़ों से हम लोग को, कुछ कुछ चीज़ों से हम लोग को डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए। और आगे अगर किसी को भी हम दोनों से प्रॉब्लम है या फिर हम दोनों के रिलेशनशिप से प्रॉब्लम है या फिर उन लोग को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो मैं बस उन लोग से इतना ही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे सामने आओ, हमसे मिलो, हमसे बात करो। हम इतने ख़राब नहीं हैं कि हम लोग आंसर नहीं करेंगे, हम लोग ज़रूर आंसर करेंगे, आप लोग के बातों का जवाब भी देंगे। और आप लोग की जितनी भी क्वेरीज हैं मुझे देखने के बाद ही, जो तुरंत आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मुझे डायरेक्ट पूछो। मैं आप लोग पीछे जाके मत बोलो, ऐसे पीछे जाके मत बोलो, आप मुझे डायरेक्ट पूछो और मैं आपको आंसर दूंगा। और फिर आप डिसाइड करना कि आपको मुझे सपोर्ट करना है कि नहीं करना है। अगर आप सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ, ये आपका डिसीजन है, ये सिंपली आपका ही डिसीजन है, मैं इसमें कोई बदलाव नहीं ला सकता। और अगर आपको लगे कि आप सपोर्ट कर रहे हो तो प्लीज़ सपोर्ट करो, और ज़्यादा मतलब इधर उधर जाके कुछ अजीब टाइप के बातें नहीं बोलना ही चाहिए। तो फिर अगर सपोर्ट कर रहे हो तो, अगर मेरे मुंह के ऊपर सपोर्ट कर रहे हो तो करो, नहीं तो नहीं करना है तो मेरे मुंह के ऊपर ही करो, दैट्स ऑल। तो ये सब बहुत कुछ फेस किया हम लोग ने। और एक बात गाइस, इंस्टाग्राम में ना एक वीडियो बहुत वायरल गया है हम दोनों को, हम दोनों का। हाँ, एक वीडियो तो उधर भी ना इतना सारा कमेंट्स, मतलब अच्छा कमेंट्स तो भर भर के, बहुत सारे कमेंट्स, 300-400 कमेंट्स आए हैं। 300-400 कमेंट्स में ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 200 कमेंट्स ऐसे हैं कि जो बहुत ज्यादा खराब है, मतलब खराब नहीं है, क्या बताऊँ, और
बहुत ज्यादा गंदा भी नहीं है जो एक्सपेक्टेड है लोगों से। तो गाइस एक लड़की है, लड़का है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये लड़की और, है। और भी थोड़ा मतलब गलत गलत क्वेश्चन किया है बहुत तो, सारे बहुत सारे उसके बारे में हम लोग आएंगे दूसरा वीडियो में आएंगे। दूसरा वीडियो में मतलब इसके बाद शायद हम लोग ने देखते है और वो वीडियो मैं अभी से आप लोग को बता देता हूँ, वो वीडियो जो आएगा ना वो बहुत ही बोल्ड वीडियो आने वाला है, बहुत ही बोल्ड आंसर्स आने वाले हैं और फाड़ के रख दूंगा तो फटने के लिए रेडी हो जाओ जो लोग गलत कमेंट्स करते हो और मैं फटाने के लिए। एनीवेज तो जो भी है हो गया, जो भी मैटर था वो सब सॉल्व हो चुका है, चीजें हो चुकी है। तो थोड़ा मूड ऑफ था हम दोनों का, हम लोग बहुत ज्यादा दुखी थे कि मतलब बहुत खराब लग रहा था, बहुत खराब लगा था हम दोनों को। तो फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि चलो कोई नहीं आगे बढ़ते हैं, जिंदगी यही जिंदगी है भाई, कोई हमें पसंद करेगा कोई हमें नहीं पसंद करेगा, तो किसी को हम जबरदस्ती पसंद नहीं करवा सकते अपने आप को। तो ये दैट्स ऑन एवरीवन, जो लोग हमारे वीडियोस देखते हैं उन लोग को सबको मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि गाइस प्यार जो है ना, प्यार किसी से भी हो सकता है। आज आपको ना एक पौधे से भी बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्यार हो सकता है एक पौधे से, डजेंट मैटर। तो प्यार ऐसी चीज़ है जिसके लिए कोई जेंडर नहीं देखता है, प्यार किसी से भी हो सकता है। शायद मेरा इसके साथ हुआ है और मैं खुश हूँ इसके साथ और ये मेरे साथ खुश है, दैट्स मैटर ओनली। आप लाइफ में क्या लेके जाओगे क्या नहीं लेके जाओगे डजेंट मैटर यार, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, पल का जीना फिर तो है जाना। ओके तो गाइस चलो अभी बारी है कि हम लोगों का इवेंट का थोड़ा बहुत वीडियो है तो वो आप लोग देखो और क्या और क्या और क्या देखते रहो और देखो साइंटिका को ना गाइस मैं अच्छे से फोटो नहीं खींच पाया, मतलब अच्छे से फोटो ना जो भी है ठीक ठाक ही है, मतलब इसको तो ना अकेला अकेला खींचना चाहिए था, चाहिए था। ओके तो चलो गाइस मिलते हैं, देखते कब मिलते हैं, चलो पहले इवेंट वाला देख लो आप लोग ठीक है, बाय। और सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब मतलब इवेंट का जो वीडियोस है वो देखते देखते सब्सक्राइब कर देना ठीक है, चलो।